चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मंत्रिमंडल में पद मिलने के बाद जयंत चौधरी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयंत चौधरी कल मंत्रिमंडल में किसका क्या कुछ पोर्टफोलियो रहने वाला है और ये सबके पोर्टफोलियो सामने आए हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयंत चौधरी अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सीधी तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं जहां पर जयंत चौधरी जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उन्हें दो खास पोर्टफोलियो का जिम्मा इस बार दिया गया है। मोदी 3.0 में उत्तर प्रदेश से 10 सांसदों को मंत्री बनाया गया है और उन्हीं में से एक जयंत चौधरी भी हैं और जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है और के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, यानी दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जयंत चौधरी के पास में है और ऐसे में अपना कार्यभार संभालते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। जो मंत्रालयों का वितरण बीते दिन किया गया है और आप सभी मंत्री अपने मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जयंत चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं जयंत चौधरी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हिंदी में कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। आपने आज कार्यभार संभाल लिया है तो उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जब 2014 में सरकार बनी तो ये विभाग बनाया गया प्रधानमंत्री की तरह इसको तैयार किया गया। आप युवा हैं, युवाओं की जॉब की बात करते हैं, युवाओं को स्किल बनाने की बात करते हैं, अब इसकी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से इसको? हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। जयंत जी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का एक सिनर्जी चाहिए, तो आप MOS भी है वहाँ का, तो आप ये कैसे आगे बढ़ाएं? शायद इसलिए वो जिम्मेदारी दी गई है और ये खास मंत्रालय है क्योंकि स्कीम में बात करूँ उसका एप्लीकेशन जीवन के हर क्षेत्र में, स्किलिंग, रीस्किलिंग, बल्कि एजुकेशन से जो बहुत बुनियाद होती है एक इंसान की, जहां स्थापित होती है, वहीं से अगर ये कॉन्सेप्ट कि हम विकसित कर देंगे तभी वो एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका अदा कर पाए। विल डिस्क्लोज आवर प्लान विद टाइम। हर जो एनडीए अकोमोडेट किया गया है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि एनडीए में अकोमोडेशन नहीं मिला है, आप आरएलडी से आते हैं, आपका पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकार भी बनी है, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जमीन की बात समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं। देश के हर वर्ग को साथ ले जाने की शक्ति उनके अंदर है, सामर्थ्य है, की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे। सर, मंत्रालयों में एक ये कहें कि यूपी का दबदबा रहा है और फिर यूपी को लेकर विपक्ष आया, जिस तरह से नतीजे जब आए, तो सर एक प्रतिक्रिया उस पर? यूपी बड़ा देश है और लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है, प्रधानमंत्री यूपी के जनप्रतिनिधि हैं, तो उस नाते देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की देश को आगे ले जाने में हमेशा भूमिका रही है, राजनीतिक क्षेत्र में रही है, सामाजिक क्षेत्र में रही है, आगे भी रही। थैंक यू।
जयंत चौधरी ने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बताते चलें कि सीधी तस्वीरें दिल्ली से सामने आई, जहां पर पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी को जिम्मेदारी मिली है और अपनी जिम्मेदारी से वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना पदभार भी संभाल लिया है।